और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अतीक अहमद की रोड यात्रा की पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर घुसते ही अब जो तमाम जो शहर हैं उन्हें क्रॉस करता हुआ प्रयागराज की ओर बढ़ता अतीक अहमद का काफिला जा रहा है। और ये बरेली से आपको बड़ी जानकारी दे दे, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जैसे कि अतीक अहमद निकला है, सब अलर्ट हो गए हैं, अतीक के भाई अशरफ को कल प्रयागराज ले जाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक के भाई अशरफ से जुड़ी हुई, कल रात बरेली जेल से ले जाया जा सकता है प्रयागराज, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ अतीक को लाया जा रहा है तो दूसरी तरफ अशरफ को भी प्रयागराज लाने की तैयारी है। बरेली से 10 घंटे का समय लग सकता है अशरफ को लाने में। तो साबरमती से लेकर प्रयागराज तक हलचल बड़ी हुई है और अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है बरेली से, जहां अतीक के भाई को कल रात बरेली जेल से ले जाया जा सकता है प्रयागराज। और ये संभव माना जा रहा है कि अतीक के साथ साथ अशरफ की भी पेशी हो सकती है 28 मार्च को। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अतीक के साथ साथ उसका भाई अशरफ भी दोषी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि अशरफ को भी बरेली जेल से ले जाया जा सकता है प्रयागराज, और प्रयागराज ले जाए जाने में 10 घंटे का समय लग सकता है। तो एक तरफ तो अतीक को साबरमती से लाया जा रहा है प्रयागराज, जो काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अशरफ को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि बरेली से ले जाया जा सकता है अशरफ को। विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था अशरफ को लेकर कि क्या अतीक के साथ अशरफ को भी पेश किया जा सकता है, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि कल यानी कि अब बरेली जेल से अशरफ को भी ले जाया जा सकता है प्रयागराज। क्या और जानकारी, क्या और अपडेट आपके पास? देखिए आयुषी, एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज ने परवाना जो जारी किया था वो जिस तरह से अतीक अहमद के लिए जारी किया था उसी तरह से अशरफ के लिए भी जारी किया था। चूंकि जो उमेश पाल की किडनैपिंग हुई थी उसमें अतीक के साथ उसका छोटा भाई अशरफ भी नामजद था, आरोपी था, उसके खिलाफ भी चार्ज फ्रेम हुए थे और उसको भी जो सुनवाई हुई, ट्रायल हुआ, गवाहों के गवाही हुई, उसमें सब में वो भी शामिल था। अब सजा जब होनी है तो उसको भी कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहना है, यानी अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों। अतीक को साबरमती जेल से लाया जा रहा है तो अशरफ को बरेली जेल से लाया जाएगा। 10 घंटे का बरेली से प्रयागराज का सफ़र है और उसको या तो सुबह बरेली जेल से निकाल के ले जाएंगे या फिर शाम को ले जाएंगे। चूंकि ये उत्तर प्रदेश के अंदर की पूरी स्थितियां हैं, वाकिफ है सरकार अपनी परिस्थितियों से, जो रास्ते हैं सारी पुलिस अपनी है, सरकार अपनी है, रास्ते अपने हैं, इसलिए बहुत जल्दबाजी नहीं है। ये माना जा रहा है कि कल अगर उसको शाम को भी बरेली जेल से निकाल कर, ठीक है, ठीक है विवेक, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। लेकिन उसी बीच ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे, देखिए सुबह तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंच सकता है अतीक अहमद का ये काफिला, रिजर्व जगहों पर ही काफिले को रोका जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। पुख्ता सुरक्षा वाली जगहों पर रोक कर लिया जाएगा ब्रेक, पहला ब्रेक लिया जा चुका है, 18 जगहों पर काफिला रुक सकता है। तो ब्रेक के लिए 18 जगहों पर रोका जा सकता है, 25 मिनट में उदयपुर पहुंचने वाला है अतीक अहमद का ये काफिला। कुछ देर पहले की आपने तस्वीरें देखी थी जहां ऋषभ देव में पहुंचा था काफिला, वहां पर एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रोका गया। अब ये जानकारी मिल रही है कि सुबह तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंच सकता है काफिला और सिर्फ रिजर्व जगह जिन्हें सिर्फ पॉइंट किया गया है वहीं पर ही अतीक अहमद का काफिला रोका जा सकता है। और विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से काफिला आगे बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सुबह तक मध्य प्रदेश की सीमाओं तक पहुंच सकता है, यानी कि शिवपुरी पहुंच सकता है काफिला। बिल्कुल, सुबह तक जो एस्टिमेटेड टाइम है पुलिस की तरफ से, जो अधिकारियों से लगातार संवाद हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, एस्टिमेटेड टाइम यही है कि सुबह 6 से 7 बजे के बीच में एमपी के बॉर्डर को क्रॉस करके शिवपुरी पहुंचें और वहां से जो सफ़र है यूपी तक का, यानी जो बुंदेलखंड रीजन में एंट्री होनी है, वहाँ से झांसी से बताया जा रहा है कि झांसी से शिवपुरी से झांसी आएंगे और झांसी से जो रूट पकड़ेंगे उसके बाद सीधे प्रयागराज, झांसी से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना हुआ है वो नया रूट पकड़ सकते हैं, उस रास्ते पर आ सकते हैं। उस रास्ते के सारे जिलों को ऑलरेडी अलर्ट किया जा चुका है, क्योंकि प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी कई रूट हैं। उत्तर प्रदेश में एंट्री होते ही कई रूट हैं, आगरा से भी आ सकते हैं आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए, या फिर झांसी से अगर आएंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए सीधे प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो ये जो चूंकि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो पुलिस अधिकारी नहीं कहना चाहते हैं खुल के, रूट को लेकर संवेदनशीलता बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से एंट्री होगी अतीक की, अभी कहीं ना कहीं सारे प्लान रिजर्व रखे गए हैं, अगर ए काम नहीं करता है तो बी पर जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही थी अतीक अहमद के काफिले को लेकर। और देखिए जानकारी मिल रही है कोटा शहर में दाखिल नहीं होगा काफिला, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ होकर आगे ये काफिला
रहा बढ़ेगा। तो जैसे ही राजस्थान में एंट्री हुई है अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की दूरी 110 किलोमीटर की है और चित्तौड़गढ़ पहुंचने में उदयपुर से 1.25 घंटे का वक्त लग सकता है। चित्तौड़गढ़ से लगातार काफिला तेजी से आगे बढ़ेगा, ये जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर बाद उदयपुर पहुंचेगा काफिला, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में एंट्री होगा और तो उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ होकर यह काफिला आगे बढ़ेगा। नितिन हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। नितिन, अगर जानकारी आप दें कि चित्तौड़गढ़ से अगर शिवपुरी की दूरी मानी जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करने में लगेगा इस काफिले को? देखिए बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से जो रूट प्लान है उसी के मुताबिक जो पूरा कहा जाए जो पूरा काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा और शिवपुरी के बाद झांसी, झांसी के बाद बुंदेलखंड होते हुए बांदा के जरिए के रास्ते प्रयागराज में एंट्री होगी। तो कुल मिला के कहा जाए अब पूरी तरह से जो लगातार जो काफिला है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो भी कहाँ जहाँ भी स्टॉपेज हो रहा है उसकी जानकारी यूपी के जो टॉप जो ऑफिशियल्स हैं डीजीपी और प्रमुख अपर मुख्य सचिव गृह उनको जानकारी साझा की जा रही है। लगातार वो इस पूरे रूट पर रूट ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जिस तरीके से अतीक अहमद का एक एक पल आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अतीक अहमद का काफिला आगे बढ़ रहा है उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग इस समय डीजीपी मुख्यालय पर हो रही है और इसके साथ ही शासन में गृह विभाग में हो रही है। खुद मुख्यमंत्री लगातार इसकी पल पल पर अपडेट ले रहे हैं कि चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और जो भी हमारी यूपी की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट हैं। किसी भी एक्टिविटीज़ ऐसी संदिग्ध गतिविधि जो भी अगर होती है उसको लेकर पूरी तरह से एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है। तो कुल मिला के जिस तरीके से अतीक अहमद जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह रहा, जिस तरह से क्राइम और पॉलिटिक्स का कॉकटेल के जरिए उसने दशकों तक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं आतंक मचा रखा था, तो अब दिन फिर चुके हैं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उसी क्रम में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डर, संशय और भविष्य और अतीत के बीच इस समय जो मुख्तार अंसारी है वो लगातार वो कहीं ना कहीं उस खौफ को वो जी रहा है, उसके सामने उसको मौत नजर आ रही है। और अब जो 28 तारीख को फैसला होगा उसके बाद ये तय होगा कि उसका क्या होगा। नितिन ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं वापस। तो अगर विवेक आपके पास लौटूंगी, अशरफ को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि बरेली से उसे प्रयागराज लाया जा सकता है, क्या उसके बारे में कोई समय की जानकारी मिल रही है, कब उसे ले जाया जा सकता है? क्योंकि 10 घंटे वहां से भी लगेंगे तो कहीं ना कहीं प्रयागराज जल्दी पहुंचना होगा, तो कब तक ले जाया जा सकता है? देखिए अशरफ को लेकर भी सेंसिटिविटी बनी हुई है, उसके जिस तरह से अतीक के ऊपर खतरा मंडरा रहा है अतीक को लेकर सेंसिटिविटी बनी हुई है, उसी तरह से अशरफ की स्थिति है। और अशरफ को चूंकि वो यूपी में है और सारे जो लोकल एड्स हैं अतीक के वो अशरफ के कांटेक्ट में हैं, चाहे पुलिस महकमे के हों, पॉलिटिक्स में हों या फिर क्रिमिनल वर्ल्ड में हों, अपराध जगत में हों, सारे लोग अशरफ के संपर्क में हैं। इसलिए अशरफ को ज़्यादा पुलिस अधिकारी यहाँ पर सेंसिटिव मान रहे हैं। अतीक के लिए चूंकि वो साबरमती जेल में है वहाँ पर उससे बात तो हो सकती है लेकिन मुलाकात बहुत कम लोगों की होती है और गिने चुने। चलिए विवेक आपको माफी चाहूंगी, बीच में रोक रही हूँ, आपके पास लौटूंगी। एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उदयपुर पहुंचा है माफिया अतीक का काफिला, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उदयपुर पहुंच चुका है काफिला, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है अतीक अहमद का ये काफिला। और ये फिलहाल अपडेट मिल रहा है कि उदयपुर ये काफिला पहुंच चुका है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेजी के साथ जो काफिला है आगे बढ़ता जा रहा है, राजस्थान को कवर करना है और इसलिए तेजी से अब जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। और अब ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है कि उदयपुर ये काफिला पहुंच चुका है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाएगा जहां पर दूसरा ब्रेक लिया जा सकता है। गुजरात से राजस्थान के रास्ते प्रयागराज अतीक अहमद को पहुंचाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट अतीक अहमद के रोड यात्रा को लेकर। उदयपुर पहुंच चुका है अतीक अहमद का काफिला, यहां से चित्तौड़गढ़ जाएंगे और वहां पर माना जा रहा है कि दूसरा ब्रेक लिया जाएगा। वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका था इससे पहले अतीक अहमद का काफिला, उसके बाद दूसरा स्टॉपेज माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में हो सकता है। और उसके बाद जैसे कि निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी तेजी के साथ काफिले को आगे बढ़ाना है और इस हिसाब से कहीं ना कहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सुबह तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी ये काफिला पहुंच सकता है। तो जिस तेजी के साथ अतीक अहमद का ये काफिला चल रहा है वो कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस को भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द
अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाए, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि इस डिस्टेंस को जल्द ही कवर किया जाए। और देखिए, अब साबरमती जेल से प्रयागराज अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि उदयपुर अतीक अहमद का काफिला पहुंच चुका है और अब वहां से चित्तौड़गढ़ के लिए कुछ देर बाद रवाना ये काफिला होगा। उसके बाद आगे ये बढ़ता जाएगा और सुबह तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि देखिए, अभी ट्रैफिक नहीं है किसी तरीके की, क्योंकि ग्रामीण बाहुल्य इलाके ये आते हैं। राजस्थान की खाली सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, उसमें बड़ी तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी अभी ये इजी है कि इस काफिले को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। और जैसे कि विवेक ने, मोइन ने ये जानकारी दी थी कि लगातार प्रयागराज से मॉनिटरिंग हो रही है, लखनऊ से मॉनिटरिंग हो रही है और ये साफ तौर पर निर्देशित किया गया है जो वैन में अधिकारी बैठे हैं कि जहां पर भी खाली सड़कें नजर आती है वहां पर वाहन की स्पीड को तेज रखा जाए, यानी कि 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड रखी जा सकती है वाहन की जहां पर जो सड़कें हैं खाली हैं। और इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए जो ये वाहन है ये तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए, तेजी के साथ जो ये डिस्टेंस है इसे कवर किया जा रहा है। अब अपडेट ये मिल रहा है कि उदयपुर पहुंच चुका है और करीब 4 घंटे 20 मिनट के सफर के बाद उदयपुर ये काफिला पहुंचा है। तो 4 घंटे 20 मिनट का ये सफर तय किया है साबरमती से लेकर, उसके बाद उदयपुर पहुंचा है और उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़ होता हुआ ये काफिला प्रयागराज जाएगा। तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की दूरी 110 किलोमीटर की है। तो अतीक अहमद की साबरमती टू प्रयागराज की जो यात्रा है वो जारी है और पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि जो अतीक अहमद का काफिला है वो उदयपुर पहुंच चुका है। राजस्थान से एंट्री होते हुए उदयपुर ये काफिला पहुंचा है और कुछ देर बाद चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो जाएगा। लगातार हमारे सहयोगी है, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। नितिन, कहीं ना कहीं देखिए, चित्तौड़गढ़ से जब ये काफिला निकलेगा, कोटा पहुंचेगा, तब कहीं ना कहीं जो ये रूट है ये क्लियर हो जाएगा कि क्या बुंदेलखंड में एंट्री करते हुए ये काफिला प्रयागराज पहुंचेगा या फिर आगरा होते हुए ये काफिला जाएगा आगे। देखिए, बिल्कुल, देखिए, जो अभी तक सूचना मिल रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए शिवपुरी होते हुए ये पूरा जो काफिला है वो वाया झांसी बांदा होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। लेकिन जो हमें हाई लेवल सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने दो और प्लान तैयार किए हैं। फोन कट गया जी। चलिए, तो जैसे नितिन जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं प्लान ए जब पुलिस के पास है तो प्लान बी भी तैयार किया गया है, क्योंकि देखिए कोटा शहर, माना जा रहा है कि कोटा शहर के अंदर दाखिला नहीं करेगा काफिला और उसके बाद कहीं ना कहीं ये निश्चय किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सा रूट अपनाया जाए, क्योंकि देखिए झांसी होते हुए प्रयागराज जाना है या आगरा होते हुए प्रयागराज जाना है ये कहीं ना कहीं कोटा पे निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट ये मिल रहा है कि उदयपुर पहुंच चुका है काफिला और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ के रास्ते अब ये माना जा रहा है कि सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी काफिला पहुंच सकता है। तो बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है अतीक अहमद का वो आगे बढ़ता जा रहा है। एबीपी गंगा भी आपको महा कवरेज दिखा रहा है, पल पल की अपडेट आपको दिखा रहा है किस तरीके से काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए चित्तौड़गढ़ में दोनों वैन के ड्राइवरों को बदला जाएगा, एक ब्रेक वहां पर लिया जाएगा और सुबह 6 बजे तक शिवपुरी पहुंच सकता है अतीक अहमद का ये काफिला, सुबह 9 बजे झांसी पहुंच सकता है माफिया अतीक का काफिला। तो ये पूरी टाइमिंग जो है वो सेट कर दी गई है, ये माना जा रहा है सुबह 6 बजे शिवपुरी तो वहीं 9 बजे झांसी काफिला पहुंच सकता है। देखिए चित्तौड़गढ़ में एक ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद ब्रेक में दोनों जो वैन के ड्राइवर है उन्हें बदला जाएगा और उसके बाद आगे ये काफिला बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद अब ये तय किया जाएगा कि कौन सा रूट अपनाया जा सकता है। ये जानकारी मिल रही है कि सुबह 6 बजे काफिला जो है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंच सकता है, उसके बाद झांसी भी काफिला पहुंच सकता है। सुबह 9 बजे तक का जो समय है वो तय किया गया है। और देखिए इन सभी जगहों पर जहां जहां पर ये काफिला रुकेगा वहां वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर झांसी प्रशासन को भी एक लेटर लिखा गया है कि अगर झांसी होता हुआ ये काफिला अगर जाता है तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अभी जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी है वो जानकारी दे रहे थे, अभी इसकी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही लेटर आया है उसके बाद कहीं ना कहीं हलचल बढ़ गई है और प्रशासन को तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। और मोइन फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। मोइन, क्या अपडेट मिल रहा है काफिले को लेकर, कहाँ पर पहुंच चुका है और कितना समय और लग सकता है चित्तौड़गढ़ पहुंचने में इस काफिले को?
जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो लेटेस्ट जानकारी है उसके मुताबिक ये जो काफिला साबरमती जेल से रवाना हुआ था शाम को 5:45 पर, वो इस वक्त उदयपुर शहर में है। राजस्थान का उदयपुर शहर है और उदयपुर शहर का जो शहरी इलाका है वहाँ पर अभी ये काफिला है। अभी काफिले की स्पीड थोड़ी धीमी हो गई है चूँकि शहरी इलाका है, लेकिन अब यहाँ से काफिला तेजी से मूव करेगा चित्तौड़गढ़ की तरफ। तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ का जो रास्ता है वो आमतौर पर रूट क्लियर रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है और जो सड़क है वो सड़क भी अच्छी है। तो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ तक की तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 110 किलोमीटर की दूरी है उसे तय करने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है, 1 घंटे 20 मिनट से लेकर 1 घंटे 30 मिनट तक का वक्त लगता है। जो पूरा रास्ता अभी तक हमने देखा कि किसी भी जगह ट्रैफिक जाम की नौबत नहीं आई है और हर जगह रूट क्लियर मिला है। राजस्थान पुलिस ने कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस की इस मामले में मदद की हुई है कि कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया गया और रूट को क्लियर किया गया। तो बहुत मुमकिन है कि अब से करीब 1.25 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जब ये काफिला चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा तो उसके आसपास कहीं एक जगह ब्रेक लिया जा सकता है, 30 से 45 मिनट का ब्रेक हो सकता है। जो टीम है, टीम के सदस्य हैं उनको डिनर दिया जा सकता है, खाने के पैकेट दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो अतीक अहमद है उसको खाना दिया जाएगा और यही वो जगह होगी जहां पर जो प्रिजन वैन है या जो दूसरी पुलिस की वैन है उनके ड्राइवरों की अदला बदली की जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो ड्राइवर वहां से चढ़ेंगे वो फिर सुबह जब यानी भोर होगी, जब सूरज की किरण निकलेगी उसके बाद ही अदला बदली की जाएगी। यानी जो ड्राइवर चित्तौड़गढ़ के आसपास कोई भी संभावित जगह हो सकती है, जानकारी आप दे रहे थे चित्तौड़गढ़ में रुकेंगे, कब ब्रेक लिया जाएगा, वहां पर डिनर दिया जाएगा। और इसी बीच हमारे सहयोगी शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी जाएंगे, अपडेट उनसे लेंगे क्या उनके पास अतीक अहमद को लेकर अपडेट जुड़ा हुआ है। आप सभी सहयोगी मेरे साथ बने रहेगा, आपके पास लौटूंगी, अपडेट लूंगी। तो अतीक अहमद की रोड यात्रा लगातार जारी है और इस रोड यात्रा से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहला अपडेट हमने आपको दिया कि राजस्थान के उदयपुर ये यात्रा पहुंच चुकी है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाएगी, वहां पर एक स्टॉपेज रखा जाएगा, उसके बाद आगे का भी सफर तय करना है और बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, मोहम्मद मोइन, विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं और इस बीच शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, आपके पास क्या अपडेट है फिलहाल इस यात्रा से जुड़ा हुआ? देखिए, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की तरफ ये काफिला चल रहा है लगातार और लगभग 4.25 घंटे देखिए हो चुके हैं इस काफिले को रवाना हुए और लगभग 1.25 घंटे का वक्त और माना जा रहा है कि लग सकता है चित्तौड़गढ़ तक पहुंचने में, जहां पर स्टॉपेज भी लिया जाएगा। यानी लगभग 12:45 से 12 के बीच में काफिला जो है वो चित्तौड़गढ़ पहुँच जाएगा और उसके बाद वहाँ पर ब्रेक होगा, सब लोग के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाएगा, खाना पीना होगा और उसके बाद में एक कुछ देर रुक के काफिला वहाँ से चलेगा। और जब ये काफिला चित्तौड़गढ़ देखिए पहुँचेगा तो लगभग 6 घंटे का वक्त इस काफिले को बीत चुका होगा। ऐसे में वहां पर खाने के बाद जब दोबारा काफिला रवाना होगा तो जो ड्राइवर्स होंगे गाड़ियों के उनको भी बदल दिया जाएगा, क्योंकि सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 6 घंटे से ऊपर कोई भी ड्राइवर गाड़ी को नहीं चलाएगा, इसलिए कि किसी को झपकी ना आए, सब बिल्कुल रिलैक्स होकर गाड़ी को चलाए और सुरक्षित तरीके से काफिला यहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक बात की जाए सुरक्षा को लेकर तो लगातार लखनऊ से मुख्यालय से इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है, गृह विभाग पुलिस मुख्यालय लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री जो है वो इस पूरे मामले की जानकारी जो अपडेट्स है वो अधिकारियों से ले रहे हैं और काफिला जो चल रहा है कहाँ पहुँचा, किस तरह से इंतज़ाम है सब आगे, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। जिस तरह से देखिए, जैसे पहले अभी हम बात करें झांसी में भी अलर्ट भेजा गया था कि वहाँ पर जो टीम्स हैं वो तैयार है, इस तरह से अलग अलग जगह जहाँ जहाँ से जिस रूट से इस काफिले को निकलना है वहाँ वहाँ पर लोकल जो पुलिस है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने के लिए कहा गया है। और उसके पीछे देखिए एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर सुरक्षित तरीके से अतीक भी पहुँचे और सबसे बड़ी चीज़ कि अतीक के साथ जो लोग उसकी सुरक्षा, जो लोग उसको सुरक्षा में लेकर आ रहे हैं उनकी भी सुरक्षा की ध्यान रखा जाना है, क्योंकि देखिए जब उमेश पाल की हत्या हुई तो 2 जवान भी देखिए शहीद हुए थे, तो ऐसे में अतीक जैसा माफिया जब आ रहा है तो हर चीज पर ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं उसको वहां से छुड़ाने की कोशिश ना की जाए या कोई और ऐसी। बिल्कुल शैलेश, आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उदयपुर के पास फिर से प्रयागराज पुलिस का काफिला रुक गया है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट, बलीचा प्रताप नगर बाईपास पर काफिले को फिर से रोका गया है। उदयपुर बाईपास पर एक बार फिर से माफिया अतीक अहमद का ये काफिला रोका गया है और ये जानकारी मिल रही है कि बाईपास के पास एक पेट्रोल पंप के पास इस काफिले को एक बार फिर से रोका गया है। देखिए ऋषभ देव, में आपने देखा वॉशरूम ब्रेक के लिए रोका गया था काफिले को, अब ये जानकारी मिल रही है कि उदयपुर जब ये एंटर हुआ काफिला उसके बाद एक बार फिर से काफिले को रोका गया है। बलीचा प्रताप नगर बाईपास जगह बताई जा रही है, वहां पर एक पेट्रोल पंप है, वहां पर एक बार फिर से इस काफिले को रोका गया है। तो ये बड़ा अपडेट
मिल रहा है अतीक अहमद के काफिले को लेकर, जो कि बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। चित्तौड़गढ़ कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टॉपेज माना जा रहा था, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से उदयपुर के पास में जो ये काफिला है ये रुक चुका है। बलीचा प्रताप नगर बाईपास बताया जा रहा है, वहां पर ये काफिला रुका है और उदयपुर बाईपास पर ये काफिला रुका है। ये बड़ी जानकारी, इससे पहले आपने देखा कि ऋषभ देव में रुका गया था काफिले को, जहां वॉशरूम ब्रेक के लिए रोका गया था। उसके बाद 18 स्टॉपेज ऐसे बनाए गए हैं जहां जहां पर काफिले को रोका जाएगा। चित्तौड़गढ़ कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा, डिनर वहां पर किया जाएगा, उसके बाद आगे ये काफिला पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब ये जानकारी मिल रही है कि बाईपास के पास एक पेट्रोल पंप है, वहां पर वापस से इस काफिले को रोका गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है अतीक अहमद के काफिले से जुड़ी हुई, जो कि देखिए साबरमती से निकला था, उसके बाद लगातार ये सफर तय करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और उदयपुर में जैसे ही काफिले की एंट्री हुई, मोइन ने जानकारी दी कि शहर के अंदर से होता हुआ ये काफिला गुजर रहा है। अब ये जानकारी मिल रही है कि बाईपास के पास एक पेट्रोल पंप है, वहां पर काफिले को रोका गया है। हो सकता है कि एक बार फिर से वॉशरूम ब्रेक के लिए इस काफिले को वहां पर रोका गया हो, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि क्यों काफिले को रोका गया है, लेकिन ये अपडेट फिलहाल मिल रहा है। अब चित्तौड़गढ़ में काफिला रुकेगा कि नहीं ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अतीक की रोड यात्रा लगातार जारी है। बड़ी तेजी के साथ अतीक अहमद का ये काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे ही उदयपुर शहर में एंट्री हुई है, बाईपास पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर से काफिले को रोका गया है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है पहुंचने में। 110 किलोमीटर की ये दूरी है जो इस काफिले को पूरी करनी है। अब उस बीच में ये काफिला यहाँ पर रुका है, कितनी देर के लिए काफिला यहाँ पर रुकेगा, कब वहां से रवाना होगा, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि यहाँ पर एक बाईपास के पास में एक पेट्रोल पंप में ये काफिला एक बार फिर से रोका गया है। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है। तमाम रूट, तमाम अपडेट आपको एबीपी का सबसे पहले दे रहा है, तमाम तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है कि कैसे ये सफर शुरू हुआ साबरमती जेल से, जो धीरे धीरे करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान बॉर्डर में एंट्री होते ही अब जो तमाम शहर है राजस्थान के, वहां से होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये माना जा रहा है कि सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एंटर कर सकता है काफिला, उसके बाद कोटा होते हुए आगे ये काफिला अपना सफर तय करेगा। लेकिन उसके पहले तमाम जो स्टॉपेज है, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से तय किए गए हैं, जो ऊपर लेवल के अधिकारियों की तरफ से तय किए गए हैं, वहां पर रोका जाएगा, जिसमें चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा, सबसे अहम ये स्टॉपेज माना जा रहा है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो वैन जिसमें अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो एक और वाहन वहां पर मौजूद है, ब्रज वाहन, जिसमें ड्राइवरों को बदला जा सकता है, खाने के जो पैकेट्स हैं वो उपलब्ध वहां पर करवाए जा सकते हैं। तो ये बड़ा स्टॉपेज चित्तौड़गढ़ में लिया जा सकता है, आधे घंटे का ये स्टॉपेज हो सकता है चित्तौड़गढ़ में। लेकिन उससे पहले अपडेट ये है कि उदयपुर जैसे ही काफिला पहुंचा है, शहर के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ है, वहां पर बाईपास के पास में पेट्रोल पंप में एक बार फिर से इसको रोका गया है। तो अब 110 किलोमीटर की जो दूरी है उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की, उसे पूरी करनी है। लेकिन उस बीच अपडेट ये है कि काफिले को एक बार फिर से रोका गया है। तो देखिए इन तमाम अपडेट्स के बीच में तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एबीपी गंगा की टीम भी साथ साथ इस काफिले के चल रहे हैं और पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, और सभी सहयोगी हमारे साथ यहाँ पर बन रहे हैं। इस अपडेट से जुड़ी और जानकारी ले लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए। मोइन, ये जानकारी मिल रही है कि उदयपुर के पास में बाईपास में पेट्रोल पंप में रोका गया है काफिले को, क्यों रोका गया है, अब तक कोई जानकारी? देखिए अभी ये बहुत साफ नहीं हो पाया है कि काफिले को कितने देर के लिए रोका जाएगा, लेकिन लगातार जो ड्राइवर्स हैं वो लगातार जो है वो गाड़ियों को मूव कर रहे थे, तो बहुत मुमकिन है कि ड्राइवरों की अदला बदली की जाएगी। एक बार फिर जो लोग जाना चाहेंगे उन्हें वॉशरूम भेजा जाएगा, या ये भी हो सकता है कि इसी पेट्रोल पंप पर जो टीम के लोग हैं उनको जो डिनर के पैकेट है वो पैकेट दिए जाएँ, और इसके साथ साथ अतीक अहमद के लिए भी डिनर का पैकेट दिया जाए और कोशिश ये किया जाए कि जो काफिला है वो चलते हुए काफिले में ही लोग डिनर कर लेंगे, उनको पानी और खाना दे दिया जाएगा। तो कितने देर रुकता है इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। बहरहाल जो पेट्रोल पंप जिस जगह पर ये पूरा काफिला रुका हुआ है, वहां आसपास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से अभी ये बहुत साफ नहीं हो पा रहा है कि ये काफिला डिनर पैकेट देने के लिए रोका गया है या किसी को फ्रेश होना था, वॉशरूम जाना है, इसलिए रोका गया है। लेकिन कितनी देर रुकेगा ये इसके बाद से साफ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जब उदयपुर से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक का जो रास्ता है, आमतौर पर सुनसान इलाका वो पड़ता है, वहां पर ज्यादा चहल पहल नहीं होती है,
तो किसी सुनसान जगह पर रुकने के बजाय इस पेट्रोल पंप पर रुकना ये ज़्यादा मुफीद होगा सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और हो सकता है कि इसी वजह से इस पेट्रोल पंप पर काफिले को रोका गया हो। यहाँ डिनर के पैकेट दिए जाएं, डिनर ब्रेक बैठकर भी कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि डिनर के पैकेट दे दिए जाएं, लोग अपने वाहनों पर बैठकर उन्हें खा लें। और दूसरी एक बड़ी चीज़ यह है कि जो ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवर्स की अदला बदली की जा सकती है। बहरहाल हर किसी की दिलचस्पी इस बात में है, हर कोई जो प्रयागराज से जुड़े हुए लोग हैं वो ये पल पल लगातार जो है वो एबीपी गंगा पर अपडेट ले रहे हैं कि आखिरकार आज की रात क्या कुछ होगा। जिस तरीके की आशंका अतीक अहमद की तरफ से जताई गई थी, जिस तरीके के डर उसकी तरफ से जताया गया था, क्या कुछ होगा वो आज की रात पूरी सकुशल बीतेगी या नहीं ब्रेक रहने वाला, इस पर भी नजर बना के रखिएगा आप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, अगर कहीं ना कहीं संभावना अगर ये जताई जाए कि आगरा से होता हुआ ये काफिला गुजरेगा, तो वहां पर क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं बरेली में भी लेटर जारी कर दिया गया है, तो क्या आगरा में भी ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये रूट निर्धारित किया गया है, वैसे तो ये राजस्थान वाया एमपी की जो शहर है शिवपुरी होते हुए कोटा के थ्रू ये झांसी होते हुए प्रयागराज तक तय किया गया है, लेकिन ऑप्शनल प्लान भी सरकार ने तय किया है, शासन ने तय किया है इस पूरे मामले में। हालांकि इसको लेकर जब हमने सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा प्रीतिंदर सिंह से बात की, तो उनका कहना है कि अगर इस तरह की कोई भी यहाँ वाया आगरा होते हुए, भरतपुर होते हुए वाया आगरा और एक्सप्रेस वे होते अगर कोई प्लान बनता तो हमको जानकारी इसकी दी जाती, लेकिन इस बात से कोई गुंजाइश इसकी बचती, पूरी तरह से बचती नज़र आती है कि अगर भी अगर समय रहते हुए कोई अगर इस तरह से कोई भी इनपुट मिलता है या कोई और वजह रहती है तो दूसरे रास्ते का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उदयपुर से जिस तरह से काफिला आगे बढ़ा है और उसके बाद कई सौ किलोमीटर चलने के बाद कोटा होते हुए ये शिवपुरी पहुँचेगा, शिवपुरी का झांसी, तो सुबह 8-9 बजे करीब तक ये पूरा जो काफिला है वो झांसी पहुँचेगा और शाम तक दोपहर बाद ये प्रयागराज तक पहुँचेगा। तो कुल मिला के कहा जाए करीब 1250-1300 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र है, एक झिलाऊ सफ़र है, थकान उबाऊ के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें सबसे ज़्यादा जो सरकार को इस बात का वो है कैसे भी साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल तक जो काफिला पहुँचे पूरी तरह सुरक्षित पहुँचे, कोई भी कहीं भी कोई भी सवाल खड़े ना हो कि कोई किसी गलती की गुंजाइश ना रहे। और इस मामले में जब पंजाब के रोपड़ जेल से जब बांदा जेल तक मुख्तार अंसारी को जब लाया गया तो उस समय भी यही कवायद देखने को मिली थी और मैं खुद उस काफिले में शामिल रहा था, उसको पूरी तरह से आगरा से लेकर बांदा तक फॉलो किया था, हाई सिक्योरिटी में उसको ले जाया गया था। मुझे याद आ रहा है कि कानपुर देहात के पास एक सट्टी थाना क्षेत्र है, वहाँ ज़रूर उसको उतारा गया। उसके बाद तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं वो पीछे पीछे अप्रोच करने लगे और लगने लगा है कुछ देयर इज समथिंग अनसर्टेन। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आप रोकना चाहोगे, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। देखिए उदयपुर के पास पेट्रोल पंप पर यह काफिला रुका है अतीक अहमद का, जैसे कि जानकारी मिल रही है, और अभी तक दूसरी बार काफिले ने ब्रेक लिया। इससे पहले ऋषभ देव, अब उदयपुर के पास ये पेट्रोल पंप बताया जा रहा है जहां पर ये काफिला रुका है। हालांकि कितनी देर तक ये काफिला रुकेगा, कब वहां से रवाना होगा, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वाहन को वहां पर रोका गया है, और कहीं ना कहीं आशंका यही जताई जा रही है कि जो चित्तौड़गढ़ में पुलिस को ब्रेक लेना था, काफिले को ब्रेक लेना था, उसका उस ब्रेक को पहले ही ले लिया गया है उदयपुर के पास में, क्योंकि देखिए सुनसान जगह अब शुरू हो जाएगी, सुनसान जो सफर है वो शुरू हो जाएगा, इसलिए कोई भी अव्यवस्था ना हो, इसलिए ये जताई जा रही है आशंका कि इसलिए पहले से ही इस काफिले को उदयपुर के पास इस पेट्रोल पंप में रोका गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा ये ब्रेक माना जा रहा है, दूसरा ये ब्रेक है अतीक अहमद के काफिले का जो इस वक्त लिया गया है उदयपुर के पास, ये पेट्रोल पंप बताया जा रहा है बाईपास के पास में जहां पर काफिला रुका हुआ है, और अब तक ये दूसरी बार है। इससे पहले ऋषभ देव में काफिले को रोका गया था, वॉशरूम ब्रेक वहां पर लिया गया था, अब इस काफिले को एक बार फिर से रोका गया है, तो ये दूसरी बार है जब इस काफिले ने ब्रेक लिया है। और अतीक अहमद, देखिए ये गाड़ी भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, और पुलिस को भी देखिए पूरी तरह से लगाया गया है, और पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में वहां पर लगाया गया है ताकि कोई भी अव्यवस्था दिखाई ना दे। इस वैन में अतीक अहमद है और उसी के साथ साथ जो तमाम पुलिसकर्मी है वो भी मौजूद है। अब ये जानकारी ये भी मिल रही है कि यहीं पर जो दोनों वैन के ड्राइवर्स हैं उन्हें भी बदला जा सकता है। और चलिए फिलहाल देखिए हमारे तमाम सहयोगी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। आप मोइन भी हमारे साथ बने हुए हैं, मोइन से अपडेट ले लेते हैं। मोइन, क्या अभी तक कोई अपडेट मिला है, काफिला कितनी देर तक वहां पर रुकेगा, क्यों इसे रोका गया, क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है?
देखिए तकरीबन 12 से 13 मिनट का वक्त हो चुका है जिस पेट्रोल पंप का आप जिक्र कर रही हूँ, उस पेट्रोल पंप पर ये काफिला रुका हुआ है और अब लगभग ये साफ हो चुका है कि इसी पेट्रोल पंप पर जो टीम के सदस्य हैं और जो अतीक अहमद है उसको जो डिनर के पैकेट हैं वो डिनर के पैकेट दिए गए हैं। लोग वहाँ पर खाना खाएंगे, उसके बाद रिफ्रेश होंगे, वॉशरूम का इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ से आगे के लिए रवाना होंगे। यहीं से जो ड्राइवर्स हैं उनकी अदलाबदली की जाएगी और अब ये काफिला जो यहाँ से पढ़ेगा उसके बाद किसी सुनसान जगह नहीं रुकेगा, वो जाकर के सुबह 5 बजे के बाद ही किसी जगह पर रोका जाएगा और बहुत मुमकिन है कि तब तक राजस्थान का मैक्सिमम इलाका जो है वो पार हो जाएगा और जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी इलाका है उसकी तरफ बढ़ता हुआ सुबह 5 बजे के आसपास नजर आएगा। शिवपुरी से झांसी लाया जाएगा अतीक अहमद को और झांसी जो पहुंचने की समय सीमा निर्धारित की गई है, एक गेस लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का झांसी लाया जा सकता है और वहां से झांसी से प्रयागराज लाया जाएगा जिसमें शाम 5 बजे का वक्त लग सकता है, 5 से 6 बजे का। इस बीच आपको एक अहम जानकारी दे दें कि प्रयागराज में जो पुलिस कमिश्नर हैं वो इस वक्त हाई लेवल एक मीटिंग कर रहे हैं, जिले के जो बड़े अधिकारी हैं जो ACP हैं DCP हैं उनके साथ ये मीटिंग चल रही है और मीटिंग में यह तय किया जाना है कि कल जब अतीक अहमद का जो काफिला है वो जब प्रयागराज की सीमा में प्रवेश करेगा, दाखिल होगा, तो किस तरीके के सुरक्षा अरेंजमेंट रखे जाएंगे, किस तरीके से रास्तों को कवर किया जाएगा, किस तरीके से रास्तों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर खाली रखा जाएगा ताकि किसी तरीके से कहीं भी ट्रैफिक जाम ना होने पाए। इस कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि अतीक अहमद का गृह नगर है प्रयागराज, यहाँ बड़ी संख्या में उसके समर्थक रहते हैं तो कोई समर्थक अपनी गाड़ी उस काफिले में डालने की कोशिश ना करे, चेहरा दिखाने की कोशिश ना करे, काफिले में किसी तरीके का व्यवधान ना हो, इसको लेकर के एक पूरा रोड मैप जो होता है वो तैयार किया जा रहा है। दूसरा जो तैयारी की जा रही है इस बैठक में वो इस बात को लेकर के कि सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से रहेंगे, जेल में किस तरीके से दाखिल कराया जाएगा और जेल से जब परसों सुबह प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया जाएगा, स्पेशल MP MLA कोर्ट ले जाया जाएगा, तो रास्ते में किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम रहेंगे, किन रास्तों से ले जाया जाएगा, कितनी देर कोर्ट रूम में रखा जाएगा, कोर्ट रूम से वापस कैसे लाना है, हलचल जारी है साबरमती टू प्रयागराज और लगातार आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे, सभी सहयोगी बने रहेगा, अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे। तो देखिए 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और महाकवरेज लगातार जारी है और ये अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं कि सुबह 9 से 10 बजे तक का वो समय है जब झांसी पहुंच सकता है काफिला, ये अनुमान जताया जा रहा है और कल शाम 5 से 6 बजे प्रयागराज पहुंच सकता है अतीक अहमद का ये काफिला। तो जिस तेजी के साथ काफिला आगे बढ़ता जा रहा है जो समय है वो भी कम होता जा रहा है। देखिए पहले कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि रात के 10 बज सकते हैं प्रयागराज पहुंचते काफिले को, अब वो समय कम हो गया है और अब माना जा रहा है कि कल शाम 5 से 6 बजे तक के बीच में काफिला प्रयागराज पहुंच सकता है। तो अतीक अहमद की प्रयागराज यात्रा लगातार जारी है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं, बड़ी खबर आपको देते हैं। उदयपुर से प्रयागराज पुलिस का काफिला रवाना हो चुका है, उदयपुर के बलीचा प्रताप नगर बाईपास पर यह काफिला रुका था और उदयपुर बाईपास पर माफिया अतीक का काफिला रोका गया था। बाईपास पर एक पेट्रोल पंप है जहां पर काफिला रुका था और अब ये अपडेट मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है कि वहां से भी जो काफिला है आगे की ओर बढ़ चुका है। तकरीबन 14 से 15 मिनट का समय था जब ये काफिला यहां पर रुका रहा और उसके बाद अपडेट ये मिल रहा है कि वहां से काफिला रवाना हो चुका है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट मिल रहा है अतीक अहमद के काफिले को लेकर जो कि उदयपुर से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुका है और उदयपुर के बलीचा प्रताप नगर बाईपास पर दूसरा ब्रेक लेने के लिए ये काफिला रुका था और अब इसी से जुड़ी हुई ये अपडेट मिल रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि जो काफिला है वो अब आगे बढ़ चुका है। पेट्रोल पंप पर अतीक अहमद की वैन में डीजल भरा गया, चित्तौड़गढ़ बाईपास के लिए अब काफिला रवाना हो चुका है। ये आशंका कहीं ना कहीं जताई जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि डीजल के लिए या फिर वैन के ड्राइवर्स को चेंज करने के लिए ये काफिला रुका हो सकता है, लेकिन अपडेट यह है कि काफिला रवाना हो चुका है। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए, तमाम सहयोगी और भी हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश काफिला रुका था और अब ये काफिला आगे के लिए रवाना हो चुका है और क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? आयुषी देखिए कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र जो है वो रात में पूरा कर लिया जाए, उसके पीछे देखिए कई वजह है। रात के वक्त अगर बात की जाए तो देखिए सन्नाटा मिलेगा सड़कों पर, उस समय जितना ज़्यादा को खींचा सकता काफिले को जितनी तेज़ी से उतना अच्छा होगा। दूसरी चीज़ एक जो बड़ी है वो ये कि रात में ही भले ही तेज़ी में चलना हो लेकिन इसके साथ में सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं कि कहीं पर अधिकतर जो एरिया पड़ेगा जिस रूट से जाएगा काफिला वो सन्नाटे भरा है, कई जगह जंगल मिलेंगे, तो ऐसे में इन जगहों से जो बिल्कुल सुनसान
रहे हैं, वहां से निकलते समय सुरक्षा के लिहाज से भी चीजों को देखना है और यहां पर जहां पे इस तरह का माहौल होगा वहां स्टॉपेज भी लेने से बचा जाएगा। जब तक कोई नेचुरल कॉल या कोई इमरजेंसी की स्थिति ना आए तब तक वहां पर स्टॉपेज नहीं लिया जाएगा और लगातार काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और इसके साथ में कोशिश ये है कि जितनी जल्दी जितना ज्यादा सफर रात में पूरा कर लिया जाए, क्योंकि दिन के उजाले के बाद जब हम बात करें 8-9 बजे के बाद का जो वक्त होगा उसके बाद ट्रैफिक बढ़ने लगता है, तो इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा, सुरक्षा के लिहाज से इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से जो है सारी टीम्स जो है वो लगातार साथ में चल रही है। स्टॉपेज बहुत लंबे नहीं लिए जा रहे हैं, जो छोटे स्टॉपेज लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो ड्राइवर्स हैं उनको भी चेंज करने के लिए एक बार बीच में रोका जाएगा, जिसके बाद में जो दूसरे ड्राइवर्स हैं वो आएंगे और जो ड्राइवर अभी तक गाड़ी चला रहे थे उनको रिलैक्स दिया जाएगा, यानी वो थोड़ा सा आराम कर ले। बिल्कुल रिलैक्स मूड में जो फ्रेश मूड में दूसरे ड्राइवर्स हैं वो पूरी तरह से फ्रेश होकर वहाँ से काफिले को आगे लेकर चलेंगे। दोपहर में कल जिस तरह से इस काफिले के जो पहुँचने का अनुमान है वो लगभग 2 से 3 बजे के आसपास लगाया जा रहा है कि वो प्रयागराज ये काफिला पहुंच जाएगा अतीक अहमद का। और एक एक पल की जो खबर है वो यहाँ से पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग सभी रख रहे हैं। प्रमुख सचिव गृह जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा DGP, ADG, LO प्रशांत कुमार, ये सब लोग लगातार निगाहें बनाए हैं। जहां जहां से इस काफिले को निकलना है उस रूट पर अगर बात करें तो जिलों की जो पुलिस है उनसे संपर्क किया जा रहा है। लोकल पुलिस का जो है पूरे नेटवर्क को अलर्ट करके रखा गया है। इसके अलावा जो अपनी एजेंसीज हैं जितनी भी, उनको चाहे वो LIU हो चाहे वो बाकी खुफिया एजेंसीज हो, उनसे पल पल की जो इंटेल है, जो इन्फो है वो ली जा रही है कि किस तरह से आगे चीजें चल रही हैं। क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से 2 बड़े बयान मुख्यमंत्री के उमेश पाल हत्याकांड के बाद आए, एक पहला जिस समय सदन चल रहा था, देखिए ये काम हुआ था जिस समय हत्याकांड हुआ था उस समय मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी मिट्टी में मिलाने वाली अपराधियों को, उसके बाद में जिस तरह से लगातार सरकार का सख्त रूप देखने को मिला, जिस तरह से एक चुनौती खुली दी थी अपराधियों ने, उसका जवाब दिया गया और उसके बाद एक और बयान देखा जा रहा था। चाहे वो हम बात करें अतीक अहमद के परिवार पे या अतीक अहमद के चेहरे में, आज वो डर खुद देखा जा रहा है। आप बने रहिएगा शैलेश हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, चित्तौड़गढ़ की तरफ तेजी से काफिला बढ़ता जा रहा है अतीक अहमद का। चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा की तरफ काफिले की रवानगी होगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चित्तौड़गढ़ की तरफ बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है वो अब बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो दूसरा स्टॉपेज था कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ में उसे लेना था, लेकिन चित्तौड़गढ़ में ना लेते हुए उस स्टॉपेज को उदयपुर के पास ही लिया गया और अब ये माना जा रहा है कि कोटा की तरफ आगे तेजी से ये काफिला बढ़ता जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनीष शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। आप मनीष, जरा जानकारी दीजिए कहां तक ये काफिला पहुंचा है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस काफिले से जुड़ी हुई आपके पास? बिल्कुल आरुषि, इस काफिले को दूसरी बार जो हम कहें कि साबरमती जेल से जब ये काफिला रवाना हुआ था तो इसका पहला स्टॉपेज था ऋषभदेव, जो कि उदयपुर ज़िले में आता है। और उसके बाद जब ये काफिला उदयपुर शहर में पहुंचा तो वहां पर जिस पुलिस की गाड़ी में अतीक अहमद सवार है उस गाड़ी में डीजल की ज़रूरत महसूस की गई और इस जगह पर एक वलीचा और प्रताप नगर का बाईपास है, वहाँ एक पेट्रोल पंप जिसका नाम सवीना पेट्रोल पंप है, वहाँ पर इन गाड़ियों के काफिले को रोका गया। पुलिस के तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने अतीक अहमद की वेन को सुरक्षा के घेरे में ले लिया और उसके बाद पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल नोजल है वहां से उस पे डीजल भरवाया गया। इस दौरान किसी को भी नजदीक नहीं आने दिया गया, मीडिया को भी काफी दूरी पर रोक दिया गया और उसके बाद पुलिस की सुरक्षा में इस गाड़ी में डीजल भरवाया गया और उसके बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट सवीना पेट्रोल पंप पर काफिला रुका था और उसके बाद चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना हो गया। इस जगह से चित्तौड़गढ़ की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर है और ये माना जा रहा है कि अभी चूंकि रात का वक्त है और लगभग ये कहा जा सकता है 11 बजने वाले हैं और पिछले करीबन 6 घंटे से जितने पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और खुद अतीक अहमद जब से साबरमती से निकले हैं उन्हें कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं दी गई। हो सकता है कि खाने पीने की चीज़ों का इस गाड़ियों में कुछ इंतजाम पहले से किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद चूंकि जैसे ऋषभदेव में वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहता था अतीक अहमद, तो वहाँ पर काफिले को 3 मिनट के लिए रोका गया। इसके अलावा लंबी समय से जो ड्राइवर्स हैं जो इन गाड़ियों को चला रहे हैं उनको भी बदला जाएगा और उसी की वजह से इस काफिले को रोका गया था। जी मनीष, क्या और जानकारी मिल रही है कि अब नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा रहने वाला है? क्या जो स्टॉपेज चित्तौड़गढ़ को तय किया गया था या उसे स्किप कर दिया गया है या फिर चित्तौड़गढ़ में अभी रोका जाएगा काफिले को? नहीं नहीं
नहीं आरुषि, ये कहना बहुत जल्दी होगा कि फिलहाल इस स्टॉपेज को स्किप किया गया है, क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम को ध्यान में रखते हुए कुछ जगह चिन्हित की है। चित्तौड़गढ़, चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारे दर्शकों को कि चित्तौड़गढ़ से कोटा का जो रास्ता है बेहद निर्जन और जिसको कहा जाए रात के सफर के लिहाज से बहुत सुरक्षित नहीं है, ऐसे में ये संभावना ज्यादा है कि चित्तौड़गढ़ में स्टॉपेज लिए जाए। अभी वस्तु स्थिति पूरी तरह से सामने आ जाएगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था सबसे अहम सवाल है और पुलिस ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी। तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है, क्योंकि जहां जहां भी ये काफिला गुजर रहा है उन राज्यों और उन जिलों की जो पुलिस है उसके साथ यूपी एसटीएफ का पूरा कोऑर्डिनेशन है। एक दूसरे को कम्युनिकेट किया जा रहा है कि किस तरीके की चीजों की जरूरत है और उसी के अनुसार जो स्थानीय प्रशासन है वो अपनी ओर से तमाम चीजें मुहैया करवा रहा है। हमारे सूत्रों का ये कहना है कि चित्तौड़गढ़ में हो सकता है फूड पैकेट का इंतजाम हो, कुछ ड्राइवर्स हों जिन्हें वहां पर हटाया जाए और जो अब तक जो गाड़ियां चला रहे थे उन ड्राइवर्स को रेस्ट के लिए अलग कर दिया जाए इस काफिले से। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका खुलासा कुछ देर में होगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सबसे अहम सवाल। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। तो तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, महा कवरेज पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।